दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें हम लोग पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और भी बहुत सारे गेस्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए सिलेक्ट किए हैं जो कि इस बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें से छांट के सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे दे रहे हैं। टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, तो आप अच्छे से यहाँ पे देखिए। चाहे जैसे भी हो, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। आप रट के याद करो या फिर आप समझ के याद करो, कैसे भी करके आपको ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको अच्छे से याद कर लेना है। कॉपी पे अगर नोट कर सकते हैं ज़्यादा बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले सेट 1 आ चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सेट नंबर 2 है। टोटल 5 सेट आने वाली है ऑब्जेक्टिव का और 5 सेट सब्जेक्टिव का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, यहाँ पे राइट आंसर कोई एक होगी। चलिए अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगी। देखिए, हमारे जवाब देने से पहले आप लोग इसका जवाब देते हुए कमेंट बॉक्स में चलिएगा। मतलब यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो आप लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसलिए आप यहाँ पे फर्स्ट का मेरे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर नीचे कमेंट करिए और लास्ट में हमें बताइएगा आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना आपको पता था। चलिए अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, कोको उपयोग होता है, ऑप्शन बी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट करिए। इसमें बोला जा रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। मतलब 8 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जैसे तारापुर वगैरह जो आता है वो सब। अब 8 का यहाँ पे नाम भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 आप सिंपल याद रख लीजिए। और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव में आपको उसका नाम बता दिया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, तृतीय क्रियाकलाप से यहाँ पे कौन संबंधित है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है, व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएं, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला जा रहा है संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगी, 4 ऑप्शन यहाँ पे, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आवास भूगोल। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगी 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल के अंदर आता है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, इसमें है स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन 4 है, राइट आंसर कोई एक होगी। चलिए देखते हैं सही आंसर, ऑप्शन नंबर 5 का, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या चीज, भूमध्य सागर को लाल सागर से, स्वेज नहर जो है किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दोस्तों, एजुकेशन बाबा ऐप पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहां से कोर्स ज्वाइन करके आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर वहां पे बहुत सारे फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये सारा चीज़ आप वहां से देख सकते हैं। तो उसके लिए बस एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, 6 नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। निम्न में कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग, और चौथा ऑप्शन है स्वच्छंद उद्योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आधारभूत उद्योग। देखिए, जैसे इसमें होता है लोहा वगैरह जो आता है, अब क्या होता है लोहा तो आधारभूत एक हो गया ना, आधार हो गया सभी चीज़ें, मतलब कोई भी आप फैक्ट्री ले लो उसमें मशीन की जरूरत होगी, और मशीन किससे बनेगा, लोहा से। तो ऑब्वियसली ये जो हो जाती है क्या चीज़, आधारभूत उद्योग हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर, इसमें है इनमें कौन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, इनमें कौन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। मछली पालन, विनिर्माण, परिवहन, आखेट। यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, परिवहन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यापार हो जाएगा। इसमें जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे 4 ऑप्शन था, इसमें से यहाँ पे क्या हो गया था सही आंसर, परिवहन, वैसे यहाँ पे क्या है 8 में व्यापार हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन आपको देख के सही टिक करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, और इसमें है निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन का साधन है जो भारी सामान
और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे मतलब पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा परिवहन का साधन है जिसमें अगर ज़्यादा वजन का सामान हो और ज़्यादा लंबी दूरी का हो तो कौन सा जो है सस्ता पड़ेगा, मतलब सस्ता परिवहन कौन सा होगा कम पूंजी जिसमें लगे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, और इसमें है पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर को किससे जोड़ता है, पनामा नहर जो है जोड़ता है पनामा नहर को किससे, कोलोन से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, कोलोन से जोड़ता है, 10 का ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए 11, और इसमें है निम्नलिखित में कौन सा देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, निम्नलिखित में कौन सा देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, नॉर्वे, जापान, भारत, अमेरिका। तो 11 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, अमेरिका में, ऑप्शन डी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इसमें है संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में है किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, किस देश में रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है यहाँ पे क्या होता है, रेल मार्ग का जाल जो है सघनतम घनत्व पाया जाता है, मतलब ज़्यादा संख्या में घनत्व में आपको कहीं भी जाना है रेल सुविधा वहाँ पे ज़्यादा अच्छी रहती है, तो यहाँ पे ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, इसमें है राइन जल मार्ग जोड़ती है, राइन जल मार्ग जो है किससे जोड़ती है, इंग्लैंड को जर्मनी से, जर्मनी को नीदरलैंड से, या फिर बेल्जियम को स्पेन से, या फिर इटली को स्पेन से। तो यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी को नीदरलैंड से राइन जल मार्ग जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर, इसमें है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है क्या चीज़, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस या पेट्रोलियम। तो यहाँ पे आंसर चलिए देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है पेट्रोलियम, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, परिवाहित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। 16वां क्वेश्चन में है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याकूत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर, इसमें है 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थे, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 40, 50, 60% या यहाँ पे 7%। तो यहाँ पे 17 का आंसर देख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं सही, तो ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा, 50% जो है आबादी नगरीय थे, कब, 2006 में। अगला ही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, इसमें क्या है निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, मतलब अभी तक में लिखित जो हमें पता है उसमें प्राचीनतम नगरीय बस्ती कहाँ रही है, तो सिंधु घाटी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगी। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है मसाई क्या है, मसाई क्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एक कृषि उपज, एक जनजाति, एक चिकित्सक, एक मरुभूमि। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक जनजाति। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का और भी वीडियोस मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा, और आगे जो है आपको जो भी सब्जेक्ट में चाहिए वो तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो उस पर इसके बाद जो है वीडियोस बन जाएगी, तो बस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना होगा, या बाकी सारा तैयारी आपको इस चैनल से अच्छे से करवाया जाएगा। अब अगला हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, इसमें है पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, यहाँ पे क्या है पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, मतलब पर्वतों पर जो है घर किस प्रकार का होता है, त्रिभुजाकार, रेखीय, आयताकार या सीढ़ीनुमा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीढ़ीनुमा, पर्वत पर नहीं देखते हैं, अगर ये पर्वत है तो इस पर सीढ़ीनुमा जो है क्या रहता है, मतलब यहाँ पे सीढ़ीनुमा टाइप का जो है घर वगैरह रहता है, तो यहाँ पे घर बन गया, तो वैसे ही यहाँ पे होता है, यहाँ पे घर बन गया, तो ऐसे यहाँ पे घर बनाया जाता है पर्वतों पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, अब आप हमें बताइए कि 20 में से आपका कितना क्वेश्चन का आंसर आप सही दिए, आपको पता था पहले से,
और आगे जो वीडियो आएगी उसमें भी आप टाइम से आ जाइए, 5:30 बजे टाइम है, और उस समय आप आके वीडियोस को देखिए अच्छे से सुबह में, और आपको सारा चीज़ जो है हेल्पफुल सारा वीडियोस रहेगा। और बाकी अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।